हे एवरीवन, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान को इस बॉलीवुड इंडस्ट्री ने आते ही द नेक्स्ट बिग थिंग का टाइटल दे दिया था। 12 अगस्त 2005 को रॉयल पटौदी फैमिली में जन्मी सारा ने अपनी एजुकेशन 2016 में न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट की थी। पर क्या आपको पता है कि सारा लोगों की नजरों में पहली बार कब आई थी? नहीं पता ना? दरअसल सारा की अपनी मदर अमृता सिंह के साथ हेलो मैगजीन के कवर पर एक फोटो छपी थी और उस मैगजीन कवर को देखने के बाद उन्हें बॉलीवुड से काफी ऑफर्स मिलने लगे थे। पर उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो पहले अपनी स्टडीज खत्म करे। फिर आगे क्या हुआ? नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों, नॉक नॉक, हुज दैट? अपनी नॉटी हरकतें और अपनी भारत भ्रमण से सबको एंटरटेन करने वाली एक्ट्रेस और बॉलीवुड में अपनी सलवार कमीज से एक नया ट्रेंड लेकर आई एक्ट्रेस सारा अली खान की अब तक की जर्नी देखने के लिए बने रही है इस वीडियो के एंड तक। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। सारा अली खान का जन्म वेल नॉन पटौदी फैमिली में मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर की पोती के रूप में हुआ था और शिविंदर सिंह विर्ग और रुखसाना सुल्ताना उनके नाना नानी है और दोनों ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स रह चुके हैं। क्योंकि सारा के फादर की साइड की फैमिली पश्तून, बंगाली और एसएमएस रही और माँ की पंजाबी एंड उत्तर प्रदेश थे, इसलिए डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड होने की वजह से सारा हाफ पश्तून और हाफ पंजाबी कही जा सकती है। पर उनकी परवरिश एज अ मुस्लिम हुई। बट जब सारा काफी छोटी थी तभी उनके पेरेंट्स का शादी के 13 साल बाद साल 2004 में डाइवोर्स हो गया था और उनकी और उनके भाई इब्राहिम की परवरिश उनकी माँ ने की। अपने एक इंटरव्यू में अपने पेरेंट्स के डाइवोर्स के बारे में सारा ने बताया था कि एक ही घर में दो अनहैप्पी पेरेंट्स होने से अच्छा है कि अलग अलग घर में दो हैप्पी पेरेंट्स का रहना। और उनके इस ओपन माइंडेड नेचर का क्रेडिट वो अपनी माँ को देती है क्योंकि उनकी माँ ने कभी किसी चीज की उन्हें कमी फील नहीं होने दी। सारा कहती है कि उनके और उनके भाई के जन्म के बाद से उनकी माँ ने उनकी टेक केयर करने के अलावा कुछ और नहीं किया। बात यह 2004 की है जब सारा बस 9 साल की थी और उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका था और उनकी माँ को लीगल गार्जियनशिप भी दे दी गई थी। सैफ को इनिशियली अपने दोनों बच्चों से मिलना अलाउड नहीं था और तभी से सैफ और सारा के बीच फादर डॉटर रिलेशनशिप से ज्यादा फ्रेंड्स लाइक रिश्ता रहा है। खैर, कुछ रिलेशनशिप में रहने के बाद उनके फादर ने 16 अक्टूबर 2012 को करीना कपूर से शादी कर ली और 20 दिसंबर 2016 को उनके स्टेप ब्रदर तैमूर का जन्म हुआ, जो सारा को प्यार से गोल बुलाते हैं। इनफैक्ट सारा अपनी स्टेप मदर करीना से भी हेल्दी रिलेशनशिप रखती है, जिसका प्रूफ उन्होंने 2018 में ये कहकर दिया था कि करीना के प्रोफेशनलिज्म को वो अपने अंदर भी उतारना चाहती है। और इसी टाइम सारा का करियर डेब्यू भी था और तभी से उनकी और तैमूर की बॉन्डिंग हमेशा लाइमलाइट में बनी रहती थी। बहुत ही यंग एज से सारा सलमान खान की बहुत बड़ी फैन थी और उन्हें आइडियलाइज भी किया करती थी और जब वो बस 4 साल की थी तब उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट में काम भी किया था। बट उनके फादर सैफ अली खान की मां ने तो एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय सारा की इंस्पिरेशन रही है क्योंकि उन्हें शिकागो पर स्टेज परफॉर्मेंस पर देखने के बाद ही सारा ने फिल्म्स में अपना करियर डिसाइड कर लिया था। पर सारा को टीनेज में अपना वेट की वजह से बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा और फिट होने के लिए उन्होंने डेली वर्कआउट करने से लेकर स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो की। बट उनके ओवरवेट होने का रीजन पीसीओएस था। सारा ने अपनी एजुकेशन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से 2016 में 3 साल में खत्म कर ली और रिमेनिंग 1.5 ईयर उन्होंने वेट ट्रेनिंग पर दिया और उसके बाद वो इंडिया आ गई। इंडिया आने के बाद सारा का नाम शाहिद कपूर के यंगर ब्रदर ईशान खट्टर के साथ रूमर्स में रहने लगा और खबरें थी कि दोनों स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से बॉलीवुड डेब्यू करेंगे। बट बाद में 2019 में ये मूवी अनन्या पांडे, टाइगर श्रॉफ और तारा सुधारिया को कास्ट करके रिलीज की गई और 2018 में उन्होंने अभिषेक कपूर की रोमांटिक डिजास्टर मूवी केदारनाथ से डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने एक हिंदू लड़की का रोल प्ले किया था जो एक मुस्लिम लड़के से प्यार कर बैठती है। अपने इस रोल के लिए सारा ने अपनी हिंदी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की हेल्प से इम्प्रूव की थी, पर एक डिस्प्यूट की वजह से इस मूवी को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया गया था। इसी बीच सारा ने रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा की शूटिंग स्टार्ट कर दी थी, जिस वजह से अभिषेक कपूर ने उन पर केस किया था। बट बाद में मैटर कोर्ट में सॉल्व हुआ और सारा ने दोनों मूवीज में अपना टाइम स्प्लिट करके मूवीज खत्म की। खैर, बाद में शूटिंग तो कंप्लीट हो गई बट रिलीज के कुछ वीक्स पहले केदारनाथ के पंडितों ने फिल्म बॉयकॉट करने की डिमांड की थी क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इस मूवी में लव जिहाद प्रमोट किया गया है और इसी वजह से मूवी उत्तराखंड में बैन कर दी गई। मूवी में सारा की एक्टिंग को मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। वैसे सारा की पहली मूवी केदारनाथ कमर्शियली हिट रही थी और उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑफ फिल्म फेयर एंड आईफा दोनों अवार्ड्स दिए गए। इसके अलावा उनकी दूसरी मूवी सिम्बा भी कमर्शियली हिट साबित हुई। साथ ही 2019 की फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी की टॉप 100 लिस्ट में भी वो जगह बनाने में कामयाब रही। केदारनाथ के रिलीज के बाद उनका नाम सुशांत सिंह राजपूत से लिंकअप्स की खबरों में आया था, बट तब ये
रूमर्स किसी को सच नहीं लगे, बट सुशांत की मिस्टीरियस डेथ के बाद ये रूमर्स सच साबित हुए जब 2020 में सुशांत के फ्रेंड्स ने ये रिवील किया कि सारा सुशांत से सच में रिलेशनशिप में थी और दोनों का साथ में वेकेशंस पे जाना और सारा का उनके घर आना नॉर्मल था और वो सुशांत को बहुत रिस्पेक्ट भी देती थी, बट कुछ अननोन रीजंस की वजह से अचानक ही सारा उनसे दूर हो गई, जिसकी वजह क्या हो सकती है आप अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करें। खैर उसके बाद से उनका और कार्तिक का नाम पीआर टीम ने मूवी प्रमोशंस के लिए अच्छे से यूज किया और मीडिया में हाइप क्रिएट हो गया। इसकी स्टार्टिंग 2018 में कॉफी विद करण के एपिसोड से हुई थी जब सारा अपने फादर के साथ शो पर आई थी और करण के सारा से उनके क्रश का नाम पूछने पर सारा ने कार्तिक आर्यन का नाम लिया था। दरअसल पीआर टीम ने उनकी और कार्तिक आर्यन की लव स्टोरी का फेक स्टंट खेला था और वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा। सबको तब लगा करता था कि कार्तिक सच में सारा के क्रश हैं और लव आजकल 2 मूवी के रिलीज के टाइम से ही वो रियल में डेट भी करने लगे हैं, बट ये सच नहीं था, बल्कि रिपोर्ट्स की माने तो सारा उस टाइम इंडियन पॉलिटिशियन सुशील कुमार शिंदे के ग्रेट ग्रैंडसन और इंडिया के वेल नोन बिजनेसमैन संजय पहाड़िया के बेटे वीर पहाड़िया के साथ रिलेशनशिप में थी, जो खुद भी एक बिजनेसमैन है, बट उनकी डेब्यू मूवी केदारनाथ के बाद से उनकी रिलेशनशिप की न्यूज आना भी बंद हो गई थी। वैसे इतना पीआर स्टंट खेलने के बाद भी लव आजकल 2 मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। बाद में वो वरुण धवन स्टारर कॉमेडी मूवी में वरुण धवन के साथ भी देखी गई। लास्टली बात करें सारा की आने वाली मूवीज की, तो अक्षय और अधानुष की अतरंगी रे के बाद वो सुपर हीरो मूवी द इमॉर्टल अश्वधामा में विक्की कौशल के अपोजिट नजर आएंगी, जिसे उरी मूवी के डायरेक्टर आदित्य धार डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सारा फेंटा, प्यूमा, वीट जैसी कई बिग ब्रांड्स की ब्रांड एंडोर्सर भी रही है और उनकी एस्टिमेटेड एनुअल इनकम 57.5 मिलियन रुपीज है। सारा इतनी कुछ इतनी यंग एज में अचीव कर चुकी है, उसके पीछे उनका हम्बल नेचर भी रहा है, जिस पर काफी लोगों का ये कहना है कि सारा अंदर से फेक है बस स्वीट बनती है। वहीं काफी लोग सारा के डाउन टू अर्थ नेचर और तहजीब की तारीफ करते हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या सारा सच में फेक है या एक रियल सेलिब्रिटी एंड ट्रेंड सेटर? अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करें। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी। Hey Ibrahim, come on, let's be funny again. Not more. Who's that? Anna. Anna the mosquito!